वी आर टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टिस्टिक्स जिसमें हमारे मेजर फंक्शनज हैं समरइजिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रजेंटिंग द डेटा ना वी आर टॉकिंग ऑन प्रजेंटिंग द डेटा हमने पिछले भी लेक्चर में बात की कि हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स के अंदर हम डेटा को प्रजेंट और ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं लेकिन जो हमने ग्राफ्स पिछले लेक्चर में किए हैं इंस्टोग्राम और पॉलीगॉन वो यूजली कंटिन्यूस डेटा के ऊपर और नुमेरिकल डेटा के ऊपर यानी स्कोर्स के ऊपर हमने बनाए हैं हमारे बहुत से वेरिएबल्स नॉमिनल भी होते हैं और ऑर्डिनल भी होते हैं और उसके लिए भी हम बहुत अच्छा डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं और उसका बेस्ट तरीका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है लेकिन उसका उससे भी अच्छा तरीका है कि हम उसको ग्राफिकली प्रजेंट करें एक ग्राफ हमारा बार ग्राफ है विच इज़ सिमिलर टू काइना हिस्टोग्राम लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हमारा जो डेटा है वो नॉमिनल जो ऑर्डिनल है और चूंकि वो डिस्क्रीट डेटा होता है तो इसका मतलब कि हमारी रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं लेकिन उन बार्स के दरमियान स्पेस होता है दे आर नॉट एडजेसेंट टू इच अदर रादर देर इज अ स्पेस बिटवीन द बार्स विच मीन्स ईच बार इज रिप्रजेंटिंग सेपरेट कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ये देखें कि अगर हमने देखना है कि सोशो इकनॉमिक स्टेटस का क्या इफेक्ट है अचीवमेंट um, स्कोर के ऊपर तो अगर मेरी ये फाइव बार्स दी हुई हैं तो इसका मतलब कि ईच बार इज़ रिप्रेजेंटिंग लोयर लोयर मिडल 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 अपर एंड अपर क्लास तो अगर मैं स्कोर्स देखूंगी कि किस तरह है तो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ उनको प्रजेंट uh, कर सकती हूँ सो सिंपल वे इज़ कि यू टेक एनी नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा एंड यू कैन प्रेजेंट दैट इन अ बार डायग्राम व्हिच इज़ डिस्क्रीट डेटा व्हिच इज़ नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल डेटा हम इसको स्पेसिस में बना के देखेंगे लेकिन सिंपल आप मेरी खास हमने पिछले लेक्चर में भी इसको बना के देखा था इट इज ईजी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपनी दूसरा हमारा एक है क्लस्टर्ड बार डायग्राम क्लस्टर्ड बार डायग्राम भी हमारा डिस्क्रीट डेटा के ऊपर और नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के ऊपर है लेकिन क्लस्टर्ड का मतलब है कि हमारी एक ही बार की सब कैटेगरीज हो जाती हैं सो इट कैन बी यूज वेन यू हैव टू और मोर नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स एंड वॉन्ट टू इलेट्रेट द डिफरेंस इन द कैटेगरीज ऑफ दीज टू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन सम स्टेटिस्टिक फॉर एग्जाम्पल ये हमने मेल और फीमेल के सैलरीज दी हुई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज ऑफ मेल एंड फीमेल अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स तो हम उसमें जब हमारे दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल हो नॉमिनल ऑर्डिनल लेवल पे हो और उसकी फिर सब कैटेगरीज डेटा के अंदर हो तो हम उसको क्लस्टर्ड बार डायग्राम के जरिए या बार ग्राफ के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं ये भी वी विल कंस्ट्रक्ट एंड सी डिफरेंट ऑप्शन ऑफ प्रजेंटिंग इट इन एस पी एस एस क्योंकि दैट इज़ ईजी और मोर लाइकली आप हाथ से तो आप कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि किस स्केल के ऊपर बन रहा है और किस तरह से हम उसको बना रहे हैं सो so, तीसरी तरह का जो है नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के ऊपर और डिस्क्रीट डेटा के ऊपर जो हम डायग्राम में प्रजेंट कर सकते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करके वो हमारा है पाई चार्ट पाई चार्ट इज काइंड ऑफ कूल और यूजअली हम सोशल साइंसिस के अंदर जब हमारे बहुत से डेमोग्राफिक्स हैं या ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको आप वाकई बताना चाहते हैं ऑडियंस को कि दे शुड फील तो हम उसको पाई चार्ट इज़ मोर अट्रैक्टिव इसलिए लोग इस पर अंडरस्टैंड करना भी इसको ज़्यादा ईजी है तो हम उसको पाए चार्ट में कर सकते हैं सो so इसमें यह होता है कि आपका ईच स्लाइस ऑफ द पाए प्रजेंट अ सेपरेट कैटेगरी फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैंने एक डेटा लिया है स्टूडेंट से अपनी क्लास ही कि वो किस तरह की मूवीज़ देखते हैं और उनकी प्रेफरेंस पूछी है अक्रॉस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़ जिसमें आपकी रोमांटिक एक्शन हॉरर और ड्रामा है और उसके अंदर फिर मैंने हर एक की परसेंटेज निकाली है कि कितने परसेंट लोगों ने प्रेफर किस टाइप की मूवी की है एज यू कैन सी कि आपका जो ब्लू वाला है वो सबसे ज्यादा पाएस का मतलब रोमांटिक मूवीज जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं या उनकी प्रेफरेंस आई है इस डेटा के अंदर इसको भी एस पी एस एस के अंदर आप डिफरेंट तरह से लेबल कर सकते हैं इसको आप थ्री डी में बना सकते हैं इसको आप खूबसूरत से प्रेजेंट कर सकते हैं वेन वी विल गो टू एस पी एस एस वी विल कंस्ट्रक्ट इन डिफरेंट वेज के पाई चार्ट किस तरह से डायमेंशनल टू डायमेंशनल हम बना सकते हैं एक और प्लॉट जो है बॉक्स प्लॉट है बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफ that gives you a good इंडिकेशन of how the values in the data are spread out. ये वैसे बहुत यूजफुल ग्राफ है क्यों क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ परसेंटाइल्स आप देख सकते हैं कि वो यूजली डेटा को डिस्क्राइब एक इस तरह बॉक्स के अंदर करता है इस बॉक्स का मकसद ये है कि आपका 50% परसेंट ऑफ द डेटा इन दो स्कोर्स के दरमियान है सो इट गिव्स यू क्वाटाइल्स क्वाटाइल रेंज भी देता है इसको आपको मीडियम वैल्यू भी देता है बॉक्स के अंदर फिर इसके बाद इसमें सबसे ये जो ऊपर इसकी बार है वो मैक्सिमम वैल्यू है डेटा के ऊपर और ये आपकी मिनिमम वैल्यू है तो जो इसकी विस्कर्स हैं बेसिकली ये आपका स्प्रेड बताती हैं कि डेटा में डिस्पर्शन किस तरह से है इसको भी हम एस पी एस एस के अंदर कंस्ट्रक्ट करके समझेंगे कि वाकई किस तरह से इतनी रिच इंफॉर्मेशन बॉक्स प्लॉट देता है अबाउट द डेटा अबाउट द डिस्पर्शन अबाउट कैलकुलेटिंग मीडियन वैल्यू और क्वार्टाइल रेंज या फिर मैक्सिमम और मिनिमम का एक और जो बॉक्स प्लॉट का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि इसमें आप आउट लायर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं सो आउट लायर हमें जो सबसे अच्छी चीज़ बताता है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बेसिकली फॉर आउट लायर्स आउट लायर्स क्या होते हैं हमारी ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हमारे डेटा में फटिन नहीं हो रही होती और वैसे समटाइम्स हमारी टाइपिंग जब हम डेटा एंटर करते हैं एसपी एस के अंदर तब भी हमारे बहुत से आउट लायर्स आ जाते हैं यानी आपने फ़र्ज़ करें वन टू टेन के अंदर डेटा करना लेकिन आपको हंड्रेड टेन टाइप हो गया या इलेवन की बजाय आपको वन इलेवन टाइप हो गया तो आपके जो यूजली आउटलाइट होते हैं वो इसी बॉक्स के अंदर होते हैं और समटाइम्स इस तरह से दिए होते हैं एस्ट्रिक बना होता है या फिर कोई इस तरह की चीज़ होती है जो आपके एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं सो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा को नॉर्मलाइज़ करने के लिए भी बॉक्स प्लॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वंस यू आइडेंटिफाई यहाँ पे जो वैल्यू है वो उस वैल्यू का ना सिर्फ मेंशन करेगा बल्कि उसका केस नंबर भी देगा कि आपके डेटा सेट के अंदर ये वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है तो आप उसको जाकर डिलीट कर सकते हैं या फिर हम पढ़ेंगे इन शाह के आउट को हम कैसे हैंडल करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स प्लॉट दे देता है ना सिर्फ मीडियम वैल्यू ना सिर्फ इंटर इंटरक्वाटाइल रेंज ना सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम बट इट ऑल्सो प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटलायर्स एज वेल वी विल इन नेक्स्ट वीडियो विल कंस्ट्रक्ट ऑल द चार्ट परसेंटाइल्स यूजिंग एस पी एस एस विच इज़ वेरी एफिशियंट एंड स्मार्टर वे ऑफ calculating it.